शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये तो नैना के कमरे में दोबारा क्यों गया था? वो मेरे मोबाइल का चार्जर नहीं चल रहा था तो मैं चार्जर लेने गया था नैना से। पापा आप चलकर सो जाइए, मैं अच्छे से देखता हूँ। तो नैना की हालत का जिम्मेदार तू है, तो रिश्तों की सारी मान मर्यादा को भंग कर। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? कहाँ का रिश्ता? उसका बाप अलग, उसकी माँ अलग, फिर कहाँ से पैदा हो गया रिश्ता? अपने जवान बेटे के घर में होते हुए खुद शादी करके बैठ गए आप। आपको अपनी शादी की बजाय मेरी शादी के बारे में सोचना चाहिए था। ना कमीना निकलिया तू, इसका अंदाजा नहीं था मुझे। अरे बदनामी का डर ना होता ना तो जाके पुलिस के हवाले कर देता। आज के बाद तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। मेरा जो कुछ भी है ना वो नैना और मालती का है। निकल निकल। सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ बताओगे भी? देख रहा हूँ कि औरत कितनी महान होती है और मर्द कितना नीच। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? आपकी नैना बेकसूर है। उसे सच में नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट कैसे हुई, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब बेहोशी में हुआ था। मतलब किसने किया ये सब? हाँ बताओ मुझे। मैंने सोचा कि इस राज को राज ही रहने दो, लेकिन मैं अपने बाप के पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता था। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ वही जो आप समझ रही हैं। पापा नैना को नशे की दवाई खिलाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ नीच काम करते थे, और नैना के पेट में जो बच्चा है वो उन्हीं का है। नहीं, मैंने अपनी आंखों से सीसीटीवी फुटेज देखा। जब मैंने उन्हें कन्फ्रंट किया तो मेरे पैर पड़ने लगे और कहने लगे कि मैं इस बारे में किसी से कोई बात ना करूं। कहाँ है वो सकता? हाँ मुंह छुपाए बैठे हैं स्टडी रूम में। इनके पास उसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था, लेकिन मुझे इनके साथ कोई हमदर्दी नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ। इन्होंने खुद के कर्मों की सजा खुद को दी है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ हाँ नैना, ये तुम्हें नींद की दवाई खिलाकर बेहोशी में तुम्हारे साथ नीच काम करते, और तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है ना वो इन्हीं का है। नहीं, ये ऐसा मेरे साथ कभी नहीं कर सकते। ये बात इन्होंने खुद मानी है, पर पकड़े जाने के डर से साइड कर लिया। नहीं।
पापा पापा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। खाती मैं क्यों किया तुमने ऐसा? विशा विशा हमारी बहुत बदनामी होगी, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, क्या कहेंगे लोगों से, क्या कहेंगे? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मैम, आपने उनको कुछ नहीं होने दिया। हाँ लेकिन हम ये सुसाइड नोट पुलिस को नहीं दिखाएंगे, हम पुलिस से ये कहेंगे कि डॉक्टर डोगरा ने हॉस्पिटल लेने के बाद भी नैनो को स्वीकार नहीं किया और पापा के ऊपर पैसों के लिए और दबाव बना रहे थे, इसीलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। हाँ विशाल, हम ऐसे ही कहेंगे, हम सबसे ऐसे ही कहेंगे, सबको ऐसे ही बताएंगे। बेटा साहब आप डॉक्टर डोगरा? यस। आपके समधी संजीव सूद ने आत्महत्या कर ली है। क्या? हम उसी सिलसिले में आपसे पूछताछ करने आए हैं। उनके फैमिली वालों का कहना है कि आप उन पर पैसों के लिए दबाव बना रहे हैं। नहीं नहीं, ये दरअसल गलत बात है, और संजीव मेरा अच्छा दोस्त है। सॉरी, हाँ, पर दबाव डालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो फिर आपकी बहू नैना अपने मायके में क्यों है, यहाँ क्यों नहीं? दरअसल बात ये इंस्पेक्टर साहब के थोड़ा सा मन मोटाव था, और किस घर में नहीं होता, बस कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं हो जाएगी, आप या आपका बेटा ये शहर छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। अभी चलते हैं। अश्विन बेटा, गजब हो गया, एक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। क्या हो गया डैड, आप इतने घबराए हुए क्यों? तू एक काम करना, तू अभी जा और नैना को वापस घर ले आ जा। डैड, इस बारे में हमारी बात हो चुकी है, उसके फादर आपको हॉस्पिटल खरीद के दे या पूरा का पूरा शहर, मैं उसे नहीं अपनाऊंगा, और अगर आपने जबरदस्ती की मैं आपसे कह देता हूँ, मैं फिर से एक घर छोड़ के चला जाऊंगा। चला जा, मैं लेकर आऊंगा नैना को यहाँ पर। डैड या तो क्या हो गया है, एक हॉस्पिटल क्या दे दिया उन्होंने, आप उस लड़की को घर में लाने की बात करें जिसके पेट में किसी और का बच्चा पल रहा है। तो बेटा समझने की कोशिश कर, तेरे ससुर ने आत्महत्या कर ली है। हाँ, और हो सकता है कि उसकी मौत का इल्जाम हम पर है। अभी यहाँ पर पुलिस आई थी, अगर नैना इस घर में वापस नहीं आई ना, तो बाकी की सारी जिंदगी हम लोग जेल में सड़ेंगे। अरे ऐसे कैसे जेल में सड़ेंगे, हमने किया क्या है? आप टेंशन मत लो डैड, मैं सब संभाल लूंगा। थप्पड़ मारूंगा ना, तेरा गाल लाल हो जाएगा। क्या संभाल लेगा तू? हाँ, तुझे पता है कितनी बदनामी होगी मेरी। अरे चलता फिरता हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। एक बात कान खोलकर सुन ले, नैना इस घर में आएगी बस। अगर तू अपनी जिद पर अड़ा रहा ना, तो ये घर छोड़ के जा सकता है। आज से, अभी से बाप और बेटे का रिश्ता खत्म। मुझे पता है आप नहीं कह रहे, ये आपके पैसों का लालच कह रहा है। क्या करूं, कैसे पीछा छुड़ाऊं इस नैना की बच्ची से अपना? सो गई दूध पिए बिना। नैना उठो ना, नैना क्या हुआ?
है ना? अरे बहुत कर अश्विन, तो ये तू इसलिए क्या है? मैंने नहीं मारा, मैंने इसे नहीं मारा। पुलिस को फोन कीजिए, ये लीजिए। इसलिए मैंने इसे नहीं मारा, ये पहले जाओ। मैंने इसे नहीं मारा। मैंने इसे नहीं मारा। ये चाकू तुम्हारा है? जी सर, मैं नैना को मारने के इरादे से आया था, पर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने नैना को नहीं मारा। मैं जब यहाँ आया तो वो पहले ही मर चुकी थी। सर ये झूठ बोल रहा है, किसी ने मारा है नैना को। सर अगर मैंने नैना को मारा है तो मेरा चाकू खून से सना होना चाहिए, और नैना के शरीर पर चाकू का एक भी घाव नहीं। मैं सच कह रहा हूँ सर, नैना का कत्ल मेरे आने से पहले ही हो गया था, मैंने उसको नहीं मारा। सेक्टर साहब, किसी ने नैना को मारा होगा। कुछ दिन पहले नैना को मारने की धमकी भी दी। तुम कौन हो? मैं नैना की दोस्त हूँ। जब ये चाकू लेकर नैना के कमरे में गया तो तुम कहाँ थे? वो मैं विशाल के रूम में सूप देने गई थी। मालती जी, क्या हम आपके यहाँ का सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं? जी सर, एक मिनट सर, वो सीसीटीवी फुटेज में एसडी कार्ड नहीं है। पापा ने सुसाइड करने से पहले निकाल दिया था। क्यों? पता नहीं। और तब से अब तक आप लोगों ने दूसरा कार्ड नहीं डलवाया? नहीं सर, मैंने दूसरे ही दिन नया कार्ड लगवा दिया था। आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं, इसकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, और इसने जो घनौना काम किया ना, वो भी साफ साफ दिखाई देगा। लेकिन सर, सीसीटीवी फुटेज चेक करने से क्या होगा? सर इसके हाथ में हथियार था, और इतना सबूत काफी है इसको अरेस्ट करने के लिए। इसको अरेस्ट कीजिए सर। हाँ कर लेंगे, पहले सीसीटीवी फुटेज देखो। मतलब तुम दोनों ने मिलकर नैना को मारा है? मैंने नैना को नहीं मारा, विशाल ने मारा। मैं तो वो फंस गई थी, इसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने इसका साथ नहीं दिया तो ये मुझे भी मार देगा। क्या कह रही है ये? अब सब कुछ सच सच बताओगे, वरना मैं दूसरे तरीके से पूछूं तुमसे। मैं और एंजल रात को एक साथ कमरे में थे। देखो एंजल, जो होना था वो हो चुका है। ध्यान से मेरी बात सुनो, मेरा बाप ढेर सारी दौलत छोड़कर गया है। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो महारानी बनकर रहोगी, और अगर मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो मजबूरी में मुझे तुम्हें भी अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। मैं तो हमेशा से तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ जैसा बोलोगे मैं करूंगी। ठीक है, नैना की लाश को उसके कमरे में रख देते हैं फिलहाल, और जब इसकी मांस हो जाएगी तब हम इसे बाहर ले जाकर ठिकाने लगा देंगे। ठीक है, सबको यही लगेगा कि बदनामी के डर से नैना घर छोड़कर भाग गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हें अपने सगे भाई से भी ज्यादा मानती थी वो, और तुमने इतनी घटोनी हरकत की उसके साथ, मार दिया उसे। क्यों किया उसके साथ ऐसा तुमने? क्यों उसे मार दिया तुमने? क्यों? और तुम गलती नहीं, ये गलती नहीं भाई तुमने, इसकी घटोनी हरकत में उसका साथ देकर शर्म नहीं आई तुम्हें? मार डाला मेरी बेटी को, मार डाला। इंस्पेक्टर साहब,
इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए, इनको फांसी दिलवाइए, तभी जाकर मेरी बेटी और मेरे पति को इंसाफ मिलेगा, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ले जाइए इन्हें यहाँ से, ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। आप निश्चिंत रहिए, इन्हें ऐसी सजा मिलेगी जिससे बाकी लोगों को सीख मिले। लेकिन आपने कानून से सच छुपाकर अच्छा नहीं किया। अगर आप पहले ही सब कुछ सच सच बता देते तो शायद आज नैना जिंदा होती। ले चलो इन्हें। बहुत बड़ी गलती हो गई। जी आप मुझे भी माफ कर दीजिए, क्योंकि मेरे कारण आपको बहुत कष्ट पहुंचा है। Oh, my God.